नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेश पुरी। आपको बता दें कि बीपीएससी के द्वारा 68वीं पीटी परीक्षा का परिणाम देर रात घोषित कर दिया गया। आपको बता दें कि 27 मार्च आज का डेट दिया गया था कैलेंडर के हिसाब से रिजल्ट का, और जैसे ही 27 मार्च हुआ रात को रिजल्ट घोषित कर दिया गया है। बता दें आपको कि आप देख सकते हैं रिजल्ट 3590 कैंडिडेट सफल घोषित किए गए हैं, और सबसे बड़ी बात कट ऑफ जो है वो 91 गया है जनरल कैटेगरी का। 67वीं पीटी देख ले, बीपीएससी के इतिहास में सबसे ज्यादा कट ऑफ गया था 113 जनरल कैटेगरी का, तो वही 68वीं में निगेटिव आने के बाद अभी तक पिछले 7-8 सालों में सबसे कम कट ऑफ जो है वो 91 गया है। देख सकते हैं रिजल्ट घोषित कर दिया गया है, और आपको बता दें कि 3590 लोग सफल घोषित किए गए हैं। आप कैटेगरी रिजल्ट आपको मैं बता दूं कि जो कट ऑफ जो है वो जनरल कैटेगरी के लिए 91 है, अनरिजर्व जनरल कैटेगरी के लिए जो है वो फीमेल के लिए 84 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 87.25, ईडब्ल्यूएस फीमेल के लिए 81.25, एससी के लिए 79.25, एससी फीमेल के लिए 66.50, एसटी के लिए 74 है, एसटी फीमेल के लिए 65.75, ईबीसी के लिए 86.5, ईबीसी फीमेल के लिए 76.75, बीसी के लिए 87.75 और बीसी फीमेल के लिए 80 गया है। इसके अलावा बता दें कि आपको जो जनरल कैटेगरी जो है उसमें 1631 लोग सफल हुए हैं, वही ईडब्ल्यूएस के अंतर्गत जो आपको बता दें 331, एससी कैटेगरी में 487 लोगों का रिजल्ट हुआ है। इसके साथ साथ बताते चले कि अत्यंत पिछड़ा वर्ग जो ईबीसी है उसमें 499, बीसी जो है पिछड़ा वर्ग 527, और पिछड़े वर्ग की महिला के अंतर्गत 63 लोगों का रिजल्ट हुआ है, और कुल मिलाकर 3590 लोग पास किए हैं जिनका रिजल्ट आया है। बीपीएससी 67वीं आपको 68वीं बता दे, आपको 12 फरवरी को इसका पीटी परीक्षा हुआ था, पहली बार निगेटिव लाया गया था, क्वेश्चन का स्टैंडर्ड काफ़ी सुधरा है इस बार, और रिजल्ट 27 मार्च को लेकर डेट दिया गया था कैलेंडर में, और 27 मार्च जैसे ही हुआ घड़ी की सुई, 27 मार्च जैसे ही गया रात को रिजल्ट घोषित कर दिया गया है। इसके साथ साथ आपको हम बता दें कि बीपीएससी के जो अध्यक्ष हैं अतुल प्रसाद जी, उन्होंने कांग्रेचुलेशन किया है। आप ट्वीट में देख सकते हैं कि उन्होंने जितने भी कैंडिडेट जो पास किए हैं उनको कांग्रेचुलेशन कहा है, और आपको बता दें कि इसमें लिखा हुआ है कांग्रेचुलेशन सक्सेसफुल कैंडिडेट फॉर 68 सीसीपीटी। तो रिजल्ट घोषित कर दिया गया है, और मई में इसका मेंस शुरू होगा। तो जितने भी कैंडिडेट जो सफल हुए हैं उन सभी को शुभकामनाएं, आप पूरे जी जान से अगले फेज यानी मेंस के लिए लग जाएं, और जो असफल हुए हैं उनको हतोत्साह होने की ज़रूरत नहीं है, 69वीं हैं, पूरे रणनीति के साथ पूरे स्ट्रेटजी के साथ और आप उसमें लग जाएं, उसमें 69वीं को लेकर सिलेबस को पूरा देखें, जो बीपीएससी अभी क्वेश्चन आया है उस क्वेश्चन का पूरी तरह से आप अवलोकन करें, और ऐसी स्ट्रेटजी बनाए कि आप 69वीं में सफल जरूर हों। तो हतोत्साह होने की ज़रूरत नहीं है, और आगे जो है पूरी मेहनत के साथ लगने की ज़रूरत है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और जो भी अपडेट होगा हम आपको देते रहेंगे। इसके साथ साथ एक और चीज़ बता दें कि इसमें दिया हुआ है नीचे कि उपर्युक्त परीक्षा में भाग लेने वाले सभी उम्मीदवारों के अंक पत्र आरक्षण कोटिवार कट ऑफ अंक सहित शीघ्र आयोग की वेबसाइट पर मार्कशीट कॉलम के अंतर्गत प्रकाशित किए जाएंगे, जिन्हें उम्मीदवार अपना अनुक्रमांक एवं जन्मतिथि एवं निबंधन संख्या एवं जन्मतिथि डालकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो मार्कशीट भी डाल दिया जाएगा आप लोग का, आप मार्कशीट में सभी लोग देख सकते हैं कितना अंक आपने प्राप्त किया है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।